कोरबा की मानिकपुर पुलिस ने चोरी के एक मामले में जांच पड़ताल के साथ कार्रवाई की है। इस सिलसिले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें चोरी करने वाले के साथ साथ सामान खरीदने वाले शामिल हैं। संबंधित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के में अपराध पंजीबद्ध करते हुए अगली प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। 4 अक्टूबर की रात को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मानिकपुर प्रोजेक्ट के अंतर्गत चोरी की यह घटना हुई थी। कोयला कंपनी के द्वारा अपने क्षेत्र में कई प्रकार के अधोसंरचना से संबंधित कामकाज कराए जा रहे हैं और इसके लिए निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। कंपनी ने इस क्षेत्र में निर्माण को जारी रखने के लिए बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री का स्टोरेज कर रखा है और इसके लिए एक अस्थायी साइट भी बना रखी है। घटना की रात यहां पर कंपनी के कुछ कर्मचारी मौजूद थे। मध्यरात्रि को मौके पर घातक चीज़ों के साथ आपराधिक तत्व पहुँचे और लोहे की सरिया एंगल के अलावा कई चीज़ों को पार कर दिया। कंपनी के ठेका कर्मचारियों को डरा धमका कर इस घटना को अंजाम दिया गया। ठेका कंपनी के स्थानीय प्रभारी को संबंधित पीड़ितों ने कुछ देर के बाद इस बारे में अवगत कराया, जिस पर मानिकपुर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मानिकपुर चौकी प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि प्रकरण में गंभीरता दिखाने के साथ अलग अलग स्रोत से जानकारी एकत्रित करने का काम शुरू किया गया। गुप्तचरों को इस काम में सक्रिय किया गया। संयुक्त रूप से मिले इनपुट के आधार पर मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिली है कि चोरी की घटना को 6 लोगों ने अंजाम दिया था। मौके से चोरी किए गए काफ़ी सामान की बिक्री स्थानीय स्तर पर कर दी गई थी और रुपये ले लिए गए थे। प्रकरण में 2 खरीदार सहित 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दिनांक 4/10/2024 को मानिकपुर खदान से वहां पर स्थित लोहे की राड, छड़, सरिया इत्यादि जो चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी मानिकपुर में धारा 303(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध के विवेचना में लिया गया था एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी चोर एवं माल की पतासाजी किया जा रहा था, जो 8 दिनांक को ये चोरी गए माल तथा 6 चोर एवं 2 खरीदार को माल के साथ में पकड़ा गया है, जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। मानिकपुर चौकी प्रभारी ने बताया कि प्रकरण में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अपराध उन्मूलन को लेकर प्रभावी कार्य योजना बनाई गई है और इसके अंतर्गत काम किया जा रहा है। रात्रिकालीन पेट्रोलिंग को मजबूती देने के लिए भी हमारी पूरी प्लानिंग है। पुलिस का कहना है कि अच्छी पुलिसिंग के साथ बीट सिस्टम पर काम करने से भी विभिन्न मामलों में बेहतर जानकारी प्राप्त हो रही है और इस आधार पर अनुसंधान करने से लेकर गिरफ्तारी में काफ़ी सहयोग मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, कोरबा।